जय हिंद दोस्तों, आज काफी खुशी है। मुझे उम्मीद है कि आज पूछने की आवश्यकता नहीं है आप लोग कैसे हैं। आप लोग बहुत खुश होंगे क्योंकि मैं भी खुश हूं और आज पूरा बिहार खुश है क्योंकि एक बिहार का बेटा 9 महीने काला पानी का सजा काट के पुनः जेल से वापस आया है और आते ही उसी अंदाज में दहाड़ना शुरू कर दिया है। अभी हमारे बगल में राजा भैया उपस्थित है जो हमारे बड़े बहुत ही अजीज मित्र है। इनके लिए मेरे पास शब्द की जितना बोलूं शब्द कम है। बड़े ही मेरे प्यारे मित्र और मेरे ऑफिस में ये उपस्थित है और भैया आज खाली नहीं आए हैं भाई, एक झोला लेके आए हैं। अब इनसे हम पहले झोला खुलवाते हैं और देखते हैं कि भाई झोला में लेके क्या आए हैं। अरे तेरी करे वाह गजब, ये देखिए, ये इससे ज्यादा टेढ़ा करूंगा तो ये अब गिर जाएगा। ये राजा भैया, अच्छा राजा भैया, ये मिठाई काहे लेके आए हैं? आपके गुरु जी जो मनीष कश्यप जो रिहाई हुआ है उसी खुशी में लेकर आए। और देखिए मेरे आदरणीय गुरु और पूरे बिहार का बेटा, अब वो पूरे बिहार नहीं पूरे भारत की उम्मीद बन चुके हैं और उनके रिहाई के खुशी में राजा भैया जो एक LIC एडवाइजर है और इनका एक साइबर कैफे भी चलता है, ये मिठाई लेके आए हैं। तो सबसे पहले राजा भैया मैं माफी चाहूंगा कि मैं मुझे बांटना चाहिए मिठाई, मैं लेके नहीं आया, व्यस्तता की वजह से मैं अभी पटना से आया हूँ। तो सबसे पहले ये मिठाई आपको। आप तमाम भैया मिठाई की बौछार लगा दो, दीपावली मनाओ। अभी कुछ देर बाद हम लोग अपने घर पर दीपावली भी मनाएंगे, मिठाइया की बौछार लगा दो भाई, अपना शेर वापस आया। क्या कहिएगा भैया? जो जेल में थे मनीष कश्यप वो सच्चे थे, वापस आए हैं, फिर से अपना काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे। और इनके गुरुदाता है, ये भी बहुत मेहनत कर रहे थे निकलने के लिए, उनको 3 दिन से लगातार पटना में कैंपेन किए थे भैया, बहुत ही खुशी की बात है। और देखिए आगे बढ़े, देखिए मोहन राजा भैया जो है, राजा राम यादव इनका नाम है, मुझे नहीं कहना चाहिए फिर भी मैं कह रहा हूँ। और मनीष कश्यप जी को जात पात से कोई मतलब नहीं है, बिहार का हर जात का व्यक्ति, हर वर्ग का व्यक्ति मनीष कश्यप की रिहाई के खुश है क्योंकि वो सच्चे इंसान है और उनकी पत्रकारिता में ईमानदारी कहीं ना कहीं दिखती है। और बाकी राजा भैया का परिचय मैं आपको लोग बता दूं, राजा भैया एक LIC एडवाइजर है और इनका बगल में एक सोलोर बाजार में एक साइबर कैफे भी चलता है। तो हम सभी के जीवन में एक इंश्योरेंस का बहुत आवश्यकता है क्योंकि जिंदगी में तमाम लोग साथ देते हैं लेकिन जीवन जाने के बाद भी अगर कोई साथ देता है तो वो LIC होता है। भैया ने मुझे नहीं बोला कि भैया आप मुझे प्रमोट कीजिए, लेकिन मैं इनको प्रमोट भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन LIC हम सभी को जरूरी है अपने जीवन के लिए कहीं ना कहीं। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप अपना एक एक इंश्योरेंस जरूर करा लीजिए और इंश्योरेंस कराने में कोई भी दिक्कत होता है एक बार राजा भैया से आप लोग संपर्क कीजिएगा। इनका नंबर मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के कॉर्नर में भी और आप लोग इनसे संपर्क कीजिएगा, एक एक इंश्योरेंस जरूर आप लोग भी करा लीजिए। या कहीं से भी कराए हो, आपको कुछ भी उसमें दिक्कत हो सर्विस लेने में या आपका समय से भरा नहीं रहा हो प्रीमियम, तो संपर्क करें, किसी से भी कराए। अब बताइए, ये होती है सच्चे इंसान की इंसानियत। आप कहीं से भी कराए हैं, इनसे आप नहीं भी कराए हैं, आपको कोई दिक्कत होता है इनके नंबर पे एक बार संपर्क कीजिए और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सर्विस दिया जाएगा। तो आप सभी के लिए ये बहुत बड़ी खुशी है और पूरा बिहार आज खुश है। बस वीडियो का सिर्फ जय हिंद।